बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा अलार्म कॉल्स की, स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप लोगों के सामने। ये अलार्म कॉल्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस कॉल्स है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स। और यहाँ पे जिस बर्ड की हम एग्जांपल अलार्म कॉल्स के तौर पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज यूरोपियन रॉबिन, एथेकस रुबेक्यूला। इसकी श्रिल एक विसल या सीट है जिसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है विद रेफरेंस टू अलार्म कॉल। अलार्म कॉल का मतलब क्या है पहले भी हम इसको एक यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं कि जब एनिमल्स अंडर थ्रेट होते हैं या उनको प्रीडेटर का व्यू भी मिलता है किसी तरह से, उनको प्रीडेटर नजर भी आता है, तो बेटा वो कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं जो उनके दूसरे ग्रुप मेंबर्स को अलर्ट कर देती हैं। और ये इनका सोशल बिहेवियर है जिसमें ये एक दूसरे के लिए इस तरह से अलार्म कॉल्स प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल से देखें तो अलार्म कॉल का प्रोड्यूस होना ये एल्ट्रुइज्म के अंडर भी आता है कि वो एनिमल जिसने अलार्म कॉल प्रोड्यूस की है, जिसने वो वॉइस प्रोड्यूस की है, प्रीडेटर उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है। लेकिन वो सबके बेनिफिट के लिए ये कॉल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दिस कॉल हैज अ वेरी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। और ये भी नोट किया गया, हम ये वेरवेट मंकीज की एग्जांपल यहाँ पे पढ़ेंगे कि जिनमें डिफरेंट प्रीडेटर्स स्नेक, हॉक, उसके अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स की अलार्म कॉल्स है वो प्रोड्यूस होती हैं। One function of alarm call is likely to be that they communicate the predator that it has been detected. Predator को भी आइडिया हो जाता है कि वो डिटेक्ट कर लिया गया है और उसकी अटैक करने की जो अटेम्प्ट है that may go in vain, वो वेस्ट हो सकती है। That's why ये एक प्रीडेटर के लिए भी अलार्म होता है, एक सिग्नल होता है बेटे। Second function क्या है इसका? That they enable individuals to share information about predator proximity and the risk of attack. कि predator कितनी करीब है और उसका जो risk of attack है दूसरे group members को idea हो जाए। In the case of blue robin जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी जो seat है या whistle है, this sharing is very wide indeed. All of the songbird species commonly found in the robin's woodland habitat have a similar call, and each will respond to the calls of others. यानी एक स्पीशी के मेंबर्स उसकी कॉल्स दूसरे जो स्पीशी के इंडिविजुअल्स हैं वो भी सेम ग्रुप में आमतौर पे डिटेक्ट कर रहे होते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। इनफैक्ट द सीट कॉल्स ऑफ दिस स्पीशीज आर सो वेरी सिमिलर दैट इन वन ओकेजन द राइटर वाज डिस्टर्ब्ड मिक्स्ड स्पीशीज फ्लॉक्स एंड रिलीज्ड अ कैकोफोनी ऑफ अलार्म्स। आई कैन नॉट टेल द सीट ऑफ द रॉबिन फ्रॉम दैट ऑफ अ चेफिंच। ये राइट साइड पे दोनों बर्ड शोन है, एक जो है वो आपके पास ब्लैक बर्ड चैफिंच और दूसरा रॉबिन, जिसकी पिक्चर से आपको आइडिया हो रहा होगा कि अगर ये इकट्ठे हैं तो इनकी अलार्म कॉल्स प्रीडेटर के हवाले से एक दूसरे से रिजेंबल कर रही होती है। इट इज थॉट दैट वन ऑफ द मेन सिलेक्टिव फोर्सेस शेपिंग द साउंड क्वालिटीज ऑफ दीज कॉल्स इज देयर लेवल ऑफ लोकेटेबिलिटी बाय द प्रीडेटर। आफ्टर ऑल इन मेनी सर्कमस्टांसेस इट वुड नॉट पे टू रिवील वंस whereabouts to a hungry hunter. But because seed calls have high frequency and narrow frequency range as well, and because they are continuous noise without interruptions, ये आपको एक सोनोग्राम से भी आइडिया हो रहा होगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस को आप देखें। सोनोग्राम ऑफ द अलार्म कॉल्स ऑफ 4 स्पीशीज ऑफ बर्ड कॉमनली फाउंड इन द सेम हैबिटेट। ये इनको शो किया गया कि नैरो रेंज है और हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉल्स हैं। एंड मोबिंग कॉल्स जो स्ट्रेस में प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स of 7 species, they have been shown over here that overlap in both habitat and mobbing target. Notice the frequency range of alarm call is narrow, making them difficult to localize कि कहाँ से produce हो रही हैं, उसको फिर recognize करना मुश्किल हो जाएगा predator के लिए। In contrast, the sources of mobbing calls, जो stress calls हैं, जिसका मकसद ही दूसरे group members को अपनी location send करना होता है, they are easily detected by the target, and that is their need. वो डिटेक्ट भी हो जाए और एनिमल्स वहां से फिर अपने ग्रुप मेंबर्स की हेल्प की मदद से एस्केप भी कर सके। फेक अलार्म कॉल्स की बात ये एक आप स्टोरी से बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक बर्ड की एग्जांपल है बेटा जो राइट साइड पे शोन है, श्राइक टीनेजर। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कॉमन मिला जाने वाला एक बर्ड है, ये लोअर साइड पे जो शोन है। और इस बर्ड की हैबिट ये है कि इनमें बाकी फ्लॉक के मेंबर्स अगर फूड ले रहे हैं या आपके लिए फॉरेजिंग कर रहे हैं तो कोई एक बर्ड कैनोपी की टॉप पे बैठ के तो प्रीडेटर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। यूजुअली ये उसी वक्त अलार्म कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं जब प्रीडेटर नजर आ जाता है ताकि बाकी ग्रुप मेंबर्स अलर्ट हो जाएं और एस्केप कर जाएं। लेकिन इनमें क्राइंग वुल्फ यानी फेक कॉल्स कैसे ऑब्जर्व की गई, ये भी देखा गया कि श्राइक टीनेजर बर्ड्स जब ये देखते हैं कि इनके ग्रुप मेंबर ने कोई स्पेसिफिक फूड जिसको ये भी ग्रैब कर सकते हैं उस पर कब्जा जमा लिया या फूड पकड़ लिया, फूड ग्रैब कर लिया, तो ये उस फूड को ऑब्टेन करने के लिए उनको अपने ही ग्रुप मेंबर्स को एक फेक अलार्म कॉल के थ्रू थ्रेट पहुंचाएंगे या उनको अलर्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो अक्सर रिस्पॉन्स क्या होता है दूसरे ग्रुप मेंबर्स का कि जैसे ही अलार्म कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं वो छुप जाते हैं अपने जो है वो नेस्ट के अंदर मूव करते हैं या कैनोपी के अंदर जाते हैं ताकि उसके जो प्रीडेटर उससे बच सकें जो लार्जर बर्ड्स या हॉक्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये उस फूड को ऑब्टेन करने के लिए भी कि अगर वो कैप्चर्ड है तो एनिमल जो अलार्म कॉल प्रोड्यूस कर रहा है वो तो देख रहा है लेकिन दूसरा एनिमल वो प्रीडेटर को नहीं देख रहा, वो फूड हासिल करने में लगा हुआ, फूड जो है वो ऑब्टेन कर रहा है। अब मीनवाइल जब फूड उसके पास आ रहा है तो वो उसको छोड़ के अपना बचाव करने को प्रेफर करेगा और ये फूड ऑब्टेन करते हैं उस तरह से। लेकिन इसकी भी एक रिफाइनमेंट, इसकी भी एक रिचुअलाइजेशन सामने आई कि अगर ये ऐसा ना कर सके तो अलार्म कॉल को मीनवाइल प्रोड्यूस करते हुए थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं दूसरी किस्म के कॉल्स में या दूसरे सिग्नलिंग में, ताकि जो इनके ग्रुप मेंबर्स हैं उनका ट्रस्ट इनके ऊपर बरकरार रहे और अगर वो थ्रेट के बावजूद हॉक को, हंटिंग हॉक को या दूसरे हंटिंग बर्ड प्रीडेटर को नहीं देखते तो वो उससे बचाव जो है वो नेक्स्ट टाइम भी जो है इसकी कॉल के ऊपर रिस्पॉन्स शो करें। खैर इसी तरह बेटा ये फेक कॉल्स के हवाले से नेक्स्ट स्लाइड्स में भी जिक्र किया गया कि जब पूरा जो फ्लॉक है दे आर एंगेज्ड इन एवेसिव मोर देन वन एक्शंस, मतलब बहुत से एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं फॉरेजिंग या दूसरी, तो यही अपना जो फूड है उसको क्लेम कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग फेक कॉल if the shrike teenager initiates a false alarm call। तो अगर इसने false alarm call, fake call शुरू कर दी है तो इसको अबॉर्ट भी कर सकते हैं जब इनको लगे कि अब वो फूड जो इन्होंने ऑब्टेन करना था वो नहीं ले सकते। It will change it into another vocalization at the mid of call and probably this flexibility helped the bird to retain the trust of its flock members कि बाकी मेंबर्स हैं उनका ट्रस्ट इन पे बरकरार रहे। फिर दो तरह के सिग्नल्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आए हैं पास पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी के। दैट मेनी ऑफ द सिग्नल्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स आर एफरेंशियल। एफरेंशियल का मतलब होता है कि दे कम्युनिकेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट सेंडर इटसेल्फ, कि अपने बारे में भी वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बाजूकात बता रहे होते हैं कॉल्स प्रोड्यूस करके या सिग्नल्स देके। दूसरा होता है रेफरेंशियल, जिसमें रेफरेंस दिया जाता है किसी दूसरे एनिमल के बारे में, किसी दूसरे एनिमल को अगर जो जाहिर है एक सेंडर और रिसीवर, जो सिग्नल सेंड कर रहा है एनिमल और जो सिग्नल रिसीव कर रहा है उनके अलावा जो थर्ड एनिमल है अगर उसकी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है तो उसे कहते हैं बेटा रेफरेंशियल सिग्नल। और अगर सेंडर इटसेल्फ अपनी कम्युनिकेशन जो है अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपने बारे में बता रहा है, तो दैट इज एफरेंशियल सिग्नल। तो अक्सर जो कॉल्स हैं अलार्म कॉल्स या दूसरे सिग्नलिंग के जो वेज आपने पढ़े केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसमें दोनों तरह की सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है, एफरेंशियल सिग्नलिंग भी और रेफरेंशियल सिग्नलिंग भी। यहाँ पे लेवल ऑफ रिस्क एंड रेफरेंशियल सिग्नल के हवाले से सीट कॉल की एग्जांपल ली गई है कि हायर रिस्क वार्निंग कॉल्स होती हैं देन इज द मॉबिंग कॉल ऑफ द सेम स्पीशीज, जो स्ट्रेस कॉल्स है उसकी बजाय। ज्यादातर जो ग्राउंड स्क्विरल स्पीशीज होती हैं दे यूज डिफरेंट अलार्म कॉल्स इन डिफरेंट रिस्क कॉन्टेक्स्ट टू। ये ग्राउंड स्क्विरल्स शोन है, फिर इसके जो थ्रेट्स हैं दो तरह के वीजल और कोएट, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहे होंगे, ये इसके प्रीडेटर्स हैं। इनके अगेंस्ट इनकी रिस्पांस कॉल्स जो वो डिफरेंटली इवॉल्व हुई हैं जिसको ग्रुप मेंबर्स डिटेक्ट करते हैं और उस तरह का रिस्पांस शो करते हैं कि वीजल से कैसे बचना है, कोएट से कैसे बचना है। इसी तरह एक ग्राउंड स्क्विरल का जो है वो हाई रिस्क प्रीडेटर हॉक भी है, उसके अगेंस्ट जो इसकी अलार्म कॉल्स प्रोड्यूस होंगी उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी जो साउंड है वो डिफरेंट होगी जिसको इजिली डिटेक्ट किया जाएगा। और ये जो वेरवेट मंकीज शोन है यहाँ पे पिक्चर में आपको, अगर आप इनको देख सकें तो इनका एक्टिव प्रीडेटर जो है ना वेरवेट मंकीज का वो है एक हॉक, ये जायंट हॉक जो नजर आ रहा है पिक्चर में आपको। इनकी साउंड जैसे प्रीवियस स्लाइड पे देखिएगा, इधर स्नेक अलार्म प्रोड्यूस करते हैं, ईगल अलार्म प्रोड्यूस करते हैं और लेपर्ड अलार्म प्रोड्यूस करते हैं। तीनों तरह के जो इनके अलार्म्स हैं, अलार्म कॉल्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है बेटा एक दूसरे से। ये मेरे पास एक वीडियो में आपके साथ अभी शेयर करता हूँ जिसमें जो मंकीज हैं उनकी चिपिंग साउंड्स अगेंस्ट स्नेक शो की गई है कैप्टिविटी में, और जैसे कैमरा क्लिक नहीं करता बिल्कुल वैसे ही इनकी साउंड होती है। जबकि ईगल या लेपर्ड उसके अगेंस्ट इनकी जो रिस्पॉन्स साउंड्स होंगी वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। जस्ट ये स्नेक जो कि इन्होंने ऑब्जर्व किया और ट्री ब्रांचेस पे जो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ साथ, जो क्लिक साउंड्स बीच में आते हैं जैसे कैमरा क्लिक साउंड होती हैं, ये वेवेट मंकीज की साउंड्स हैं एक्चुअली जो स्नेक के लिए स्पेसिफिक अलार्म कॉल्स हैं। ये साउंड एग्जैक्टली ये इनकी स्नेक के लिए स्पेसिफिकली, ये आपको अब नजर भी आ रहा होगा ये स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हुए, ये इनकी स्पेसिफिक अलार्म कॉल्स हैं। जबकि इनकी जो लेपर्ड और हॉक के अगेंस्ट कॉल्स प्रोड्यूस होंगी वो डिफरेंट होंगी। इससे क्या फायदा होता है इन एनिमल्स को? इससे ये फायदा होता है कि रिस्पॉन्स डिटर्मिन करने में कि कौन सा रिस्पॉन्स किस वक्त शो करना है, किस साउंड के अगेंस्ट कैसे बिहेव करना है, ये एनिमल इजीली जो है उसको डिटेक्ट करते हैं और बाकी ग्रुप मेंबर्स उसी के अकॉर्डिंग फिर अपने आप को सेव करेंगे। Just have a look on the next slide. Experimental evidence that alarm calls of these and other species of monkeys, they really do provide information about the precise nature of the predator. And they took ये दो scientists जो आपको सामने शोन हैं, Dorothy and Robert Sefard, they took a tape recording of the eagle alarm call as well as other जो उन्होंने alarm calls leopards की हैं उनको record करके जब expose किया तो फिर इनकी recordings करते हुए इनको दिखाया हुआ है कि जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक अलार्म कॉल के तौर पे तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो उन्होंने नोट किए और उन डिफरेंसेस के हवाले से बेटा यहाँ पे जो डिस्कशन है वो दी गई है। और इसमें जो हमने बात की लेवल ऑफ रिस्क की, इट डिपेंड्स कि जो सेंडर है जो कॉल प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रीडेटर को अगर डिटेक्ट करके सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस करेगा ऐसी अलार्म कॉल की तो ऑब्वियसली वो एक उसके अपनी सर्वाइवल के लिए अपने लिए भी एक थ्रेट के तौर पर काम करेगा। नेक्स्ट इसमें एक सिंटैक्स है, इसकी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ मंडे वाले दिन इंशाल्लाह। यहाँ तक इसको प्लीज एक दफा बुक से गो थ्रू कीजिएगा और कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा बेटा। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।